हम नेपाल से हैं, नेपाल के चितवन जिला से। हम कल शाम को यहाँ आए, आने के बाद में गौरीकुंड से थोड़ा सा आगे गए तो बारिश होने लगा, फिर हम रुक गए। फिर बहुत भीषण बाढ़ आया, उसके बाद में हम लोग वहाँ से भागे, रात को ही भागे। ऊपर किसी तरह शरण लिया और रात भर पड़े रहे। सुबह NDRF की टीमें आई और उन्होंने बहुत लगन से बहुत अच्छा काम किया, बहुत आदमी का अच्छा से रेस्क्यू किया। तहे दिल से उन लोगों को हम लोग धन्यवाद करते हैं। नदियों में अत्यधिक उफान के कारण जगह जगह रास्ते टूट गए हैं और लोग जो है जगह जगह फंस गए हैं, जिस कारण से वहाँ पर उन्हें रोका गया है और उनके रहने की खाने की वहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। और रास्ता टूट जाने के कारण जो है सुबह से हेली के माध्यम से और साथ ही साथ पैदल दोनों तरह से जो है रेस्क्यू स्टार्ट किया गया है।